नमस्कार दोस्तों, बिपिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा समावेशी शिक्षा। क्या पढ़ाऊंगा मित्रों? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें सभी प्रकार के बच्चों का समावेश किया गया है ना, और उनको शिक्षित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में अनेक वातावरण से बच्चे आते हैं जिनमें विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लिए होते हैं। इन सभी प्रकार के व्यक्तित्व लिए होते हैं ना, और इसको हम मनोवैज्ञानिकों ने इसे दो प्रकारों में बांटा है, एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। कौन सा मित्रों? इससे बांटा है दो प्रकार में, एक सामान्य बालक और नंबर दो है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक ना, सर्व शिक्षा में। इसलिए व्यक्ति जो आते हैं सामाजिक नैतिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसको मनोविज्ञानिकों ने दो प्रकारों में बांटा है, जिसमें नंबर एक है सामान्य बालक, नंबर दो है विशिष्ट बालक। इसको हम क्रमवत पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले जानते हैं विशिष्ट बालक के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पढ़ेंगे विशिष्ट बालक। तो पढ़ेंगे क्या? विशिष्ट बालकों के प्रकार पढ़ते हैं हम, विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार, विशिष्ट बालकों के प्रकार में कुल चार प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर एक है कौन सा? बौद्धिक दृष्टिकोण। क्या है मित्रों? बौद्धिक बौद्धिक दृष्टिकोण है, बौद्धिक दृष्टिकोण। बौद्धिक दृष्टिकोण में दो प्रकार के बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। इसमें दो प्रकार के बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। क्या मित्रों? प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में। किसके बारे में मित्रों? प्रतिभाशाली बालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से ज्यादा होती है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से ज्यादा होती है। एक मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन। टर्मन महोदय ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि लब्धि जो है 140 से अधिक होती है,
और एक मनोवैज्ञानिक है डनलफ महोदय, इन्होंने बताया है कि 15 साल बालकों की बुद्धि लेवल जो है 132 से ऊपर होती है। क्या होती है मित्रों? मनोवैज्ञानिक है डनलफ, इन्होंने बताया है कि 15 साल बालकों की बुद्धि लेवल भी 132 से अधिक होती है, 132 से अधिक होती है। और एक मनोवैज्ञानिक है टर्मन, कौन मित्रों? टर्मन, इन्होंने बताया है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, 140 से अधिक। और औसत देखा जाए, एवरेज देखा जाए, तो इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 130 होती है। क्या होती है मित्रों? सामान्यतः प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 130 मानी जाती है। कितना? 130 सामान्य रूप से, सामान्यतः जो है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 होती है। अब हम जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है। प्रतिभाशाली बालक जो है ये सृजनशील होते हैं, एक कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं, ये सृजनशील होते हैं, कठिन विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। इनमें इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता पाई जाती है ना मित्रों, इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता पाई जाती है। और ये खेल कूद में भी भाग लेते हैं, मतलब ये सभी प्रकार से परिपूर्ण होते हैं ना, हर प्रकार से परिपूर्ण होते हैं। कौन होते हैं मित्रों? प्रतिभाशाली बालक ना, प्रतिभाशाली बालक जो है सृजनशील होते हैं, सभी विषयों की अपेक्षा कठिन विषयों में रुचि लेते हैं, ये चीजों को आसानी से सीख जाते हैं ना, चीजों को जो है आसानी से सरलता से सीख जाते हैं। इनके लिए जो पाठ्यक्रम होता है कठिन होना चाहिए ना, ये सब इनकी जो है विशेषताएं हैं। अब हम इनके शिक्षा के बारे में जानते हैं मित्रों, इनके शिक्षा के बारे में, इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जटिल एवं विस्तृत ना, जो इनका पाठ्यक्रम होना चाहिए जटिल और विस्तृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मित्रों? जटिल एवं विस्तृत होना चाहिए। और इनके जो है प्रश्न विचार प्रधान होने चाहिए, इनके जो प्रश्न होने चाहिए विचार प्रधान होने चाहिए, इनसे विचारात्मक प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए ना, इनसे प्रतिभाशाली बालकों से ना। तो हमने सीखा प्रतिभाशाली बालक के बारे में, अब हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक हो गया, अब हम देखते हैं मंद बुद्धि बालक। क्या मित्रों? मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक पढ़ते हैं हम मंद बुद्धि बालक के बारे में। ऐसे बालक जो शैक्षिक, ऐसे बालक जो शैक्षिक लब्धि में पिछड़े होते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 90 से कम होती है। क्या होती है मित्रों? इनकी जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि क्या होती है? 90 से कम, 90 से कम तो क्या होते हैं? मंद बुद्धि बालक होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है वे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं ना, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है हालिंगवर्थ, कौन मित्रों? हालिंगवर्थ, एक मनोवैज्ञानिक है हालिंगवर्थ, जिनके अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। क्या होती है मित्रों? हालिंगवर्थ के अनुसार, हालिंगवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है 70 से कम होती है। क्या मित्रों? 70 से
कम, सत्तर से कम होती है, लेकिन सामान्यता माना जाता है कि इनकी ऊर्ध्व क्या है, 90 होती है। सामान्यता जो है इनकी उपलब्ध 90 से कम माना जाता है, 90 से कम माना जाता है ना। तो ऐसे ऐसे बालक जो होते हैं पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। अब हम मंद बुद्धि बालकों के बारे में, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस बारे में जानते हैं। शिक्षा इनके इनकी जो शिक्षा होनी चाहिए सरल विषय ना, इनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला होना चाहिए, जिसमें सरल विषयों का समावेश करना चाहिए। ये जो बालक हैं बहुत धीरे धीरे गति से सीखते हैं, बहुत मंद सीखते हैं ना, तो इसको ध्यान देना चाहिए। और इसके निवारण के रूप में जो है इनके जो निवारण है जानना चाहिए कि ये ऐसे क्यों हैं, उसका पता होना चाहिए, और उसका जो है उपचार करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए मित्रों? उसका उपचार करना चाहिए, इनके माता पिता से मिलना चाहिए, इनके बारे में उनको बताना चाहिए, तो जिससे इनकी बुद्धिलब्धि को हम बता सकें और समस्या को दूर कर सकें। तो क्या था मित्रों? यह मंद बुद्धि बालक। अब इसके बाद है मित्रों इसके बाद है एक है शैक्षिक दृष्टिकोण। क्या है मित्रों? शैक्षिक दृष्टिकोण। दूसरा है शैक्षिक शैक्षिक दृष्टिकोण। शैक्षिक दृष्टिकोण इसके आधार पर भी दो बालक होते हैं, तीव्र बालक और पिछड़े बालक। तीव्र बालक और पिछड़े बालक, तीव्र बालक और पिछड़े बालक। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे पहले पिछड़े बालकों के बारे में। किसके बारे में? पिछड़े बालकों के बारे में। पिछड़े बालक के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। पिछड़े बालक ऐसे बालक जो शैक्षिक लब्ध में पीछे रह जाते हैं, उन्हें जो है हम पिछड़े बालक कहते हैं ना। क्या कहते हैं उन्हें? हम पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक ये जो है इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 85 से कम होती है। क्योंकि कितनी होती है मित्रों? 85 से कम, 85 से कम। पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पिछड़ापन होता है, एक विशिष्ट। क्या होता है मित्रों? इनमें दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य पिछड़ा और एक विशिष्ट पिछड़ा। क्या होता है? सामान्य पिछड़ा, सामान्य पिछड़े वाला सामान्य पिछड़े, और दूसरा विशिष्ट विशिष्ट पिछड़े बालक। पिछड़े बालक सामान्य पिछड़े बालक ऐसे बालक जो सभी विषयों में पिछड़ रहते हैं, ऐसे बालक जो सभी विषयों में पिछड़ जाते हैं उन्हें हम सामान्य पिछड़ा बालक कहते हैं ना। वह किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में उनकी
जो है जानकारी नहीं होती है। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं हम? सामान्य पिछड़ा बालक, विशिष्ट बालक होते हैं ना, ये पिछड़े बालक होते हैं। अब एक पिछड़े बालकों के बारे में एक सिरिल बर्ड महोदय ने एक फॉर्मूला दिया है, क्या दिया मित्रों? सिरिल बर्ड, क्या है? सिरिल बर्ड, सिरिल बर्ड ने एक फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है मित्रों? शैक्षिक आयु बटे शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु वास्तविक आय गुणे सौ। तो सिरिल बर्ड महोदय ने एक फॉर्मूला दिया है जो है शैक्षिक लब्ध ज्ञात करने के लिए, क्या मित्रों? शैक्षिक लब्ध ज्ञात करने के लिए दिया है, क्या? शैक्षिक लब्ध, शैक्षिक लब्ध ना, पिछले बात होगा शैक्षिक लब्ध जो ज्ञात करने के लिए सिरिल बर्ड महोदय ने एक फॉर्मूला दिया है ना, क्या? शैक्षिक आय बटे वास्तविक आय गुणे सौ। इसके माध्यम से हम पिछड़े पर वर्गों का जो है शैक्षिक लब्ध याद कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है ना। अब इनका निवारण के लिए हम चर्चा करते हैं मित्रों, निवारण क्या करेंगे ना, इनका कारण क्या है ना। तो मित्रों जो पिछड़े बालक होते हैं, क्या मित्रों? पिछड़े बालक जो होते हैं इनकी जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, आर्थिक जो है कार्ड होता है, सामाजिक कार्ड भी होता है ना, वातावरणीय कारक भी होता है। तो इन सभी कारणों से जो है पिछड़े होते हैं ना, इनके माता पिता भी अशिक्षित होते हैं जिसके कारण उनका मतलब ध्यान नहीं दे पाते। इनके निवारण के लिए हम अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, सरकार से इन्हें अनुदान दिलवाना चाहिए ताकि ये पढ़ सकें और अपना पिछड़ापन दूर कर सकें ना। ये निवारण हमें इनके बारे में करना चाहिए। और जो है औसत कार्य नहीं कर पाते हैं ना, तो ये सब क्या था मित्रों? पिछड़े बालक के प्रकार थे ना, पिछड़े बालकों के बारे में हम क्या क्या करते हैं, इनके प्रकार कारण निवारण के बारे में जाना ना। ये क्या था? पिछड़े बालक। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, नमस्कार।